हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स। देखिए, हालांकि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आपको एग्ज़ाम में नहीं आते, हाँ ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, लेकिन वो लंबे वाले होते हैं। एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कैश बुक की। देखिए, जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या बोलता है कि द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम, ओके, डिस्काउंट कॉलम का टोटल ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जो कैश बुक की, ये देखिए, ये कैश बुक है, ये इधर डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम है। रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर, जाहिर सी बात है वो जिसने आपको पैसा देना होता है उसी के अकाउंट से हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम अलाउ कर रहे होते हैं। व्हेन पेइंग देयर अकाउंट इज पोस्टर टू, कहाँ पोस्ट किया जाता है? देखिए, एक तो डेबिट साइड का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट अलाउड में होता है। कहाँ होता है सर? डिस्काउंट अलाउड में। तो डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम का डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड में पोस्ट होगा। कहाँ होगा सर? डेबिट साइड में पोस्ट होगा, या पोस्ट बोला है ना, तो सर ये बी ऑप्शन लग रहा है, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड। तो इसका सही ऑप्शन है सर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है सर, कैश बुक इज़ अ टाइप ऑफ डैश, ओके, बट ट्रीटेड एज डैश ऑफ अकाउंट्स। अब जाहिर सी बात है, कैश बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक, ठीक है, प्रिंसिपल बुक जैसे इसको मेन बुक की तरह ट्रीट किया जाता है। कैश बुक को कैश बुक ना देखते हुए उसको अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो बनती ही कुछ ऐसे हैं। तो ऑप्शन क्या है सर? कैश बुक इज़ अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, ओके, यहाँ भी सब्सिडरी है, यहाँ भी सब्सिडरी है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल बुक है। तो ऑप्शन नंबर ए, कैश बुक इज़ अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक। एमसीक्यू थर्ड की बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक। देखिए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो कैश कॉलम सही है, बैंक कॉलम भी होता है। विच इज नॉट, जो कॉलम नहीं है वो है पेटी कॉलम। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? फोर्थ की बात करेंगे, एक मिनट। फोर्थ क्या है सर? काउंटर एंट्री पास्ड ओनली व्हेन, कब काउंटर एंट्री पास की जाती है? डबल कॉलम कैश बुक में, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में? देखिए, आप बोलोगे कि डबल बुक, हालांकि डबल बुक में पास हो सकती है बशर्ते कि उसमें कैश एंड बैंक कॉलम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डबल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक का ही कॉलम हो। उसमें कैश डिस्काउंट का कॉलम भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट का भी कॉलम हो सकता है। अगर ये दो हो तो ये भी तो डबल कॉलम कैश बुक है, लेकिन इसमें तो काउंटर एंट्री पास हो नहीं सकती, तो सर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सिंपल कॉलम कैश बुक इज़ जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, वो कैश अकाउंट की तरह होता है जिसमें सिंगल कॉलम ही कैश बुक होती है, तो उसमें भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द कैश बुक रिकॉर्ड, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है सर? ऑल कैश रिसीट्स, सिर्फ कैश रिसीट नहीं, ऑल कैश पेमेंट, सिर्फ कैश पेमेंट, ये भी नहीं, ना तो सिर्फ कैश रिसीट। देखिए, कैश रिसीट होती है, डेबिट साइड रिसीट होती है, पेमेंट हम करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगली ऑप्शन देखते हैं, ऑल कैश रिसीट एंड पेमेंट, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि कैश बुक में दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं सर। द बैलेंस इन पेटी कैश बुक, अभी तक हमने पेटी कैश बुक को नहीं किया, लेकिन भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पढ़कर तो देखते हैं। द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज डैश, ओके, एन एक्सपेंस एन प्रॉफिट एन एसेट। देखिए, पहली बात, ये तो कैश है, अब कैश चाहे नॉर्मल हो चाहे पेटी हो, तो कैश है। तो सर कैश होता है आपका रियल अकाउंट, तो सर रियल अकाउंट ऑलवेज लिंक विद एसेट, तो ये आपकी सही ऑप्शन क्या है सर? एसेट। सेवंथ की बात करते हैं, लास्ट एमसीक्यू। इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ओके, कैश में गुड्स सोल्ड करता है, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। अब जाहिर सी बात है, कैश के थ्रू रिकॉर्ड करेगा, एक तो वो सर रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शन, दूसरा सर रिकॉर्ड करेगा वो सेल्स अकाउंट में, ठीक है, बस इतनी सी बात है। इन कैश बुक, बिल्कुल इन कैश बुक, इन सेल्स बुक नहीं, इन जर्नल नहीं, जर्नल का तो वो पास नहीं करेगा, क्योंकि जर्नल तो दोनों अकाउंट्स में एस्पेक्ट होते हैं। अब बहुत जन बोलेंगे कि जर्नल क्यों नहीं, देखिए जर्नल में क्या होता है, आप दोनों, जो जर्नल में होता है वो आप दोनों चीज़ें दोनों अकाउंट्स में पोस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कैश बुक में पोस्ट हो रही है, एक चीज़ कैश सेल्स अकाउंट में पोस्ट हो रही है, तो ये जर्नल तो बोला नहीं जा सकता, तो इसलिए सर ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा।
आइए अब बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स की, वो भी अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेंगे। ट्रू फॉल्स की अगर बात करें सर, पहला ट्रू फॉल्स क्या है, कैश बुक इज़ ए सब्सिडरी बुक, ओके हाँ पता है हमें, एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका तो हमने ये भी देखा था MCQ, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, तो MCQ रिलेटेड ही है। उसके बाद सेकेंड ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, टू कॉलम कैश बुक मतलब डबल कॉलम कैश बुक कंसिस्ट टू कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम। देखिए ज़रूरी नहीं है कि डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश एंड बैंक कॉलम को ही आप कंसिस्ट करें, वो कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है, तो ये पूरी तरह से बात सही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सर कैश डिस्काउंट बैंक डिस्काउंट ये तो हो सकता है। थर्ड क्या बात करते हैं, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ नेवर बैलेंस्ड, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कैश बुक होती है उसमें जो डिस्काउंट कॉलम होते हैं वो डिस्काउंट अकाउंट के ज़रिए आप पोस्ट करते हो, और सर नॉमिनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस्ड नहीं होते, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होते अगले साल, तो इसीलिए डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ नेवर बैलेंस्ड, ओके। फोर्थ की बात करते हैं सर, काउंटर एंट्री पास्ड इन टू कॉलम कैश बुक, अब जाहिर सी बात है इसका लिंक कहाँ आता है सर, सेकेंड MCQ की ओर, क्योंकि सर कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है, तो इस केस में क्या काउंटर एंट्री पास हो सकती है? कभी नहीं पास हो सकती सर, कैश और बैंक की ही एंट्री पास होगी, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल है सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, तो ये गलत है। इसका एक MCQ भी था, आप देख सकते हो, मैंने नीचे सॉल्व करवाया था। फिफ्थ की बात करें, इफ़ द बैंक कॉलम इज शोइंग एन ओपनिंग बैलेंस, ओके बैंक कॉलम शो कर रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब क्या होगा, देखने से ही पहले पता चल जाता है कि इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा एक क्वेश्चन भी आया था पिछले वीडियो में, हमने उसकी बात की थी, ठीक है। सिक्स की बात करते हैं सर, कैश बुक रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नहीं सर, कैश जो बुक होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आप उसमें रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये गलत है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, ओके रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट, ये गलत बात है। डिस्काउंट जो कॉलम होता है सर वो होता है आपका कैश डिस्काउंट, क्या होता है सर, कैश डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपके ट्रेड को बढ़ाने के लिए होता है, ट्रेड एक्सपेंशन के लिए आप देते हो, भले ही वो चाहे कैश सेल्स वाले को दो या फिर क्रेडिट सेल्स वाले को दो, वो आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दे रहे हो, लेकिन जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो उसका पैसे लेने के लिए आप जो डिस्काउंट देते हो वो कैश डिस्काउंट होता है, तो ये कहना कि डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट, ये गलत बात होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका सर ट्रू एंड फॉल्स और MCQ कवर कर लिए हैं, अच्छे खासे थे मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थे, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी वो आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है एक एक कॉन्सेप्ट पर। तो इसी के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर डाउट हो इस रिलेटेड तो वीडियो में कमेंट कीजिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।